accountancy में हम financial statement यानी final accounts के बारे में पढ़ रहे थे और हमने previous अपने lecture तक हमने ये जानने का प्रयास किया था कि हम financial statement जब बनाते हैं तो हमें उससे बनाने से पहले हमारे सभी प्रकार के expenditures जो हम करते हैं जिनको हमने पूंजीगत खर्चों के रूप में आयगत खर्चों में और स्थगित आयगत व्यय खर्चे जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका हमने सीखा कि हम कैसे पहचाने कि ये पूंजीगत खर्चे हैं ये आयगत खर्चे हैं ये स्थगित आयगत व्यय हैं तो हमने अपने प्रीवियस 3-4 लेक्चर्स में पूरी तरह से ये जानने का प्रयास कर लिया कि हम किनको हम आयगत की श्रेणी में रखते हैं और किनको हम पूंजीगत खर्चों की श्रेणी में रखते हैं। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं कि हम अपने फाइनल अकाउंट को किस प्रकार से तैयार करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 अकाउंट्स हम तैयार करते हैं जिसमें सबसे पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा आता है हमारा चिट्ठा जिसे कि हम बोलते हैं बैलेंस शीट यानी व्यापारिक खाता, लाभहानि खाता और स्थिति विवरण जिसे कि हम चिट्ठा कहते हैं। और तीनों ही अकाउंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है और तीनों हमारे जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने भविष्य के लिए जो भी गतिविधियाँ निर्धारित करनी होती हैं, योजनाएं बनानी होती हैं, डिसीजंस लेने होते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों फाइनल अकाउंट होते हैं। तो आज हम अपने इसी श्रृंखला के अंदर फाइनल स्टेटमेंट में सबसे पहले आज पढ़ने जा रहे हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट जिसे कि हम व्यापार खाता भी बोलते हैं। तो व्यापार खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जितने भी प्रकार के आयगत खर्चे होते हैं उनको हम या तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो व्यापारिक खाता व्यापारिक क्रियाओं का परिणाम है, वो आपके जो आपकी व्यापारिक क्रियाएं की है उसका चित्रण आपके सामने करता है कि आपने कितनी चीजें क्रय की व्यापार करने के उद्देश्य से, उसको आपने बेचा तो आपको वास्तव में वर्ष के अंत में उन व्यापारिक क्रियाओं का क्या परिणाम निकला उसको जानने के लिए हम मनाते हैं व्यापारिक खाता। ठीक है, व्यापारिक खाता व्यापारिक क्रियाओं की सबसे पहली सीढ़ी यानी सबसे पहले बनाया जाने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट जिसको हम प्रिपेयर करते हैं। उसमें हम क्या लिखते हैं, उससे क्या जानकारी मिलती है उसको हम बताते हैं कि जितना भी माल क्रय किया गया है। अब आप माल क्रय करते हैं तो होता है फिनिश गुड खरीदते हैं और फिर उसको हम बेच देते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम उत्पादन करते हैं प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर रॉ मटेरियल को खरीदने के बाद हम उसको फर्निश करने लगते हैं बनाने लगते हैं तो पूरा तो हमारे पास माल रॉ मटेरियल के रूप में भी है, वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में भी है, माल अभी प्रोसेस में चल रहा है और कुछ माल होता है जो तैयार स्टॉक के रूप में भी होता है। तो हमारे पास 3 तरह के माल हो जाते हैं एक तरीके से। तो आपको जो क्रय जो कर रहे हैं तो आप कितना माल क्रय कर रहे हैं, कितना आप माल वर्क इन प्रोसेस है, कितना फिनिश गुड है। तो फिनिश गुड को हम स्टॉक में डालते हैं, स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल का भी होता है तो वो कितना है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, ये सारी चीजें आपको कंसीडर इसमें करनी है। तो हम हमारे व्यापारी खाते में क्या माल क्रय किया वो माल फिर उस माल को बेचने के योग्य जो बनाते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स खर्चे करने होते हैं जो आयकर प्रकृति के होते हैं जिसे हम प्रत्यक्ष खर्चे भी कहते हैं। तो खरीदे गए माल उस माल को विक्रय योग्य बनाने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे हमारे कहलाते हैं प्रत्यक्ष खर्चे, वो भी हम इस खाते के अंदर शो करते हैं। तो सिंपल सी बात है, माल को क्रय करके गोदाम तक लाने और उसको विक्रय योग्य बनाने तक के जितने भी खर्चे हम करते हैं वो सारे खर्चे हमारे प्रत्यक्ष खर्चे यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में आते हैं। आपने आयकर खर्चे भी पढ़े, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में इन आयकर खर्चों के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैं वापस एक परिभाषा आपको समझा देती हूँ। प्रत्यक्ष खर्चे वो खर्चे होते हैं जो माल को क्रय करके गोदाम तक लाने और माल को विक्रय योग्य बनाने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। तो वो प्रत्यक्ष व्यय भी हमारे व्यापारिक खाते में लिखते हैं। तो माल को क्रय किया विक्रय उस पर किए गए प्रत्यक्ष खर्चे वो हम इसमें लिखते हैं और साथ में उस माल का जो विक्रय मूल्य है उसको ध्यान में रखते हुए उस फाइनेंशियल ईयर का क्या सकल लाभ जिसे भी हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं और क्या सकल हानि, क्या हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया और क्या ग्रॉस
लाए माल को बेचकर जो धनराशि हम प्राप्त करते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करके उस हिसाबी वर्ष में क्या सकल लाभ अथवा सकल हानि प्राप्त हुई उसकी जानकारी के लिए बनाते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं उसकी क्या उपयोगिता, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम इसे बनाते हैं, तो वो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमारी व्यापारिक क्रियाओं की करने से क्या सकल लाभ तथा सकल हानि हुई है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है कि सकल लाभ और सकल हानि कैसे प्राप्त होगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि सकल लाभ ये हमारा है, सकल लाभ जो है कैसे याद होगा, जब हमारी कुल बिक्री जो भी हमने फाइनेंशियल ईयर में की है अगर उसका योग क्रय किए गए माल और प्रत्यक्ष खर्चों के योग से ज्यादा है, यानी कुल बिक्री में से क्रय और प्रत्यक्ष व्ययों का योग घटा दिया जाए तो आपको प्राप्त होता है सकल लाभ, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्रय का मूल्य और प्रत्यक्ष व्ययों का मूल्य कुल बिक्री से ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको होती है क्या हानि, वैसी हानि सकल हानि। तो सकल हानि में उल्टा हो जाता है कि आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य और प्रत्यक्ष खर्चों से अगर ज्यादा है तो आपको होता है लाभ, और हानि में क्रय मूल्य और प्रत्यक्ष व्ययों का खर्चा मूल्य विक्रय से ज्यादा होता तो हमें हानि। तो सकल लाभ और सकल हानि की जानकारी अगर करनी है तो आपको आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। दूसरा होता है हम इसमें एक चीज और लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष खर्चे, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया प्रत्यक्ष खर्चे क्या होते हैं। तो प्रत्यक्ष व्ययों की देखिए सकल लाभ और सकल हानि की सिचुएशन के अंदर जब आप जाते हैं तो सकल लाभ सकल हानि जानना क्यों जरूरी है संस्था के लिए, क्योंकि सकल लाभ और सकल हानि के आधार पर जब हम हमारे सेल्स के अंदर में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारे पास आती है बेचे गए माल की लागत, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहते हैं कि व्यापारिक खाते से बेचे गए माल की लागत को मालूम किया जाता है, ठीक है। और बेचे गए माल की जब लागत हमारे पास होती है तो हम सेल के ऊपर बेचे गए माल की लागत यानी ग्रॉस प्रॉफिट का कितना परसेंटेज हमने कमाया है उस चीज को देखते हुए क्या कर सकते हैं, ये निर्णय ले सकते हैं कि मान लीजिए हमें लॉस हो रहा है तो इस सिचुएशन के अंदर हमको अपने कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, किस प्रकार से हम कॉस्ट को कंट्रोल करें, इस प्रकार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंट्रोल करें ताकि हम लाभ कमा सके, इस चीज का निर्णय लिया जाता है। तो बेचे गए माल की लागत को कैसे प्राप्त करेंगे, आपकी कुल जो बिक्री है कुल जो विक्रय है उसमें से क्या लेस करना है आपको, आपका सकल लाभ जो है उसको क्या करना होता है माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका बेचे गए माल की लागत। तो सकल लाभ सकल हानि की हो गई। अब आपको प्रत्यक्ष खर्चों की जानकारी, क्योंकि हम जितने भी खर्चे करते हैं माल को बनाने तक वो सारे खर्चे हम इसमें रखते हैं तो इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है क्या हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ पर हमें खर्चों पर नियंत्रण करना है। आप एवरेज निकाल सकते हैं कि हमारे बेचे गए माल की लागत पर कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ये सारी जानकारियां इससे आपको मिलती है और ये हमारे कॉस्ट को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसका निर्णय हम यहाँ। तीसरी चीज होती है हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, प्रारंभिक रणनीतियां और अंतिम रणनीतियां, ये जानकारी भी हमें हमारे व्यापारी खाते से मिलती है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो हमारा होता है ना स्टॉक आवर्तन जो अनुपात होता है वो हम इसी के माध्यम से निकालते हैं। कहते हैं कोई भी बिजनेस अच्छा कब होता है जब उसका टर्नओवर रेशियो बहुत अच्छा होता है, कि हम कम स्टॉक से ज्यादा बिक्री करते हैं और फिर हम सकल लाभ कमाते हैं, तो कहता है कि बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, साथ बहुत कम स्टॉक के साथ वो ज्यादा 12 स्टॉक को घुमा लेता है और ज्यादा लाभ कमाता है। तो टर्नओवर रेशियो जो होता है उसकी जानकारी के लिए आपके पास प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक की जानकारी इसी खाते से आपको मिलती है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट काम भविष्य के कार्यों के अंदर, कि भविष्य के अंदर हमें कई निर्णय लेने होते हैं। देखिए कि हमारी अगर मान लीजिए किसी कंडीशन के अंदर सकल हानि आ रही है तो हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारी परचेज हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जो सेल कर रहे हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी जो सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, तो हम उसका निर्णय इस आधार पर करेंगे कि हम विक्रय के मूल्य में वृद्धि करें ताकि लाभों में क्या होगी वृद्धि होगी। तो ये सब चीजें डिस्कशन करने के लिए हमें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को एनालिसिस करना होता है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना होता है कि कितने खर्चे कितना क्रय
है, कितना विक्रय कर रहे हैं, उसका क्या परसेंटेज हम ले रहे हैं, प्रॉफिट में कर रहे हैं, नहीं ले रहे तो हमें हमारे विक्रय मूल्य में वृद्धि करनी है, या विक्रय मूल्य में वृद्धि नहीं कर सकते, हमारा प्रतिस्पर्धा का युग है विक्रय मूल्य, तो हमको हमारी कॉस्ट कटिंग कहाँ करनी है, किस तरह से कॉस्ट को कंट्रोल करना है, इसका डिसीजन भी हम किससे लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से ही लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया है। हम जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमारे एक खाता होता है, उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है डेबिट पक्ष और एक होता है क्रेडिट पक्ष। आपको मैंने बताया है तीन अकाउंट आप बनाते हैं, ये हमारा डेबिट पक्ष है बेटा और ये हमारा क्रेडिट पक्ष। पर्टिकुलर अमाउंट दिस इज डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट दिस इज क्रेडिट साइड, ठीक है। आप ऊपर हेडिंग क्या डालते हैं, व्यापारिक खाता लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाया जाता है, फॉर द ईयर एंडिंग, तो आप क्या हेडिंग डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग सच एंड सच। आपका जो भी वर्ष का आप खाता बना रहे हैं उस खाते की जो भी सन है वहां पर वो डेट आप डाल दें और ट्रेडिंग अकाउंट का हेडिंग डाल दें। खाता है तो डेबिट साइड में टू शब्द का प्रयोग करेंगे हम और क्रेडिट साइड में बाय शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो एक नेचर है वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट, यानी नाम मात्र के खाते का समान होता है। इसके अंदर हम माल के क्रय और माल को बिक्री योग्य बनाने के लिए समस्त प्रत्यक्ष खर्चों को जो है वो हम इसके डेबिट साइड में यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हम सारे एक्सपेंडिचर्स जितने भी हैं प्लस हमारे जितने भी परचेज है वो हम यहाँ पर लिखते चलते हैं। तो आज हमने ये जाना कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है, इस तरह का वो खाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है, टोटल सेल माइनस टोटल ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, कर बेचे गए माल के बराबर जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, साथ में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस यानी सकल लाभ और सकल हानि क्या होते हैं, किस प्रकार से ये ज्ञात किए जाते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। कल हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट पक्ष पे क्या क्या टर्म्स लिखते हैं उसको हम यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।